देश के सुख समृद्धि शांति के लिए हिंदुस्तान के देव धार्मिक स्थलों के दर्शन करने पैदल निकले दंपति राजस्थान के जयपुर निवासी भवानी सिंह ओस उनकी पत्नी सुमन 13 मार्च 2019 से संपूर्ण भारत के धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए पद यात्रा पर निकले हैं। भवानी सिंह बताते हैं कि वह सबसे पहले खाटू श्याम जी गए, वहाँ दर्शन करने के पश्चात हरियाणा पंजाब होते हुए वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर अमरनाथ होते हुए हिमाचल केदारनाथ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार से पटना होते हुए नेपाल पशुपतिनाथ होते हुए वेस्ट बंगाल आंध्र कर्नाटक केरल होते हुए महाराष्ट्र पहुंचे थे। इन सभी स्थानों पर हमने प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन किए और अब हम मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, जहां से हम ओंकारेश्वर होते हुए उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के पश्चात गुजरात जाएंगे, जहां पर मुख्य धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के बाद हम राजस्थान पहुंचेंगे। भवानी सिंह बताते हैं कि हमें घर से निकले हुए 26 माह हो गए हैं, हम जुलाई अगस्त तक पुनः राजस्थान पहुंच जाएंगे। हम प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर का सफर नंगे पांव पैदल तय करते हैं। ईश्वर से हमारी यही कामना है कि देश में सुख शांति बनी रहे, भ्रष्टाचार न हो, यही हमारी कामना है। बिजासन से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? भवानी सिंह। कहाँ के हो? हम जयपुर राजस्थान से हैं। आप पद यात्रा कर रहे हो, क्या कारण से, क्या उद्देश्य आपका? 13 मार्च 2019 से हम यात्रा पे हैं, पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं, जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनकी यात्रा कर रहे हैं। जयपुर से रवाना हुए थे 13 मार्च 2019 को, मैंने खाटू श्याम जी गए थे, लिंगस में पड़ता है, उसके बाद हरियाणा पंजाब होते जम्मू वैष्णो देवी गए थे, वहाँ से अमरनाथ होते मणिमहेस को निकले थे, मणिमहेस से हिमाचल में जितने भी देवियों के स्थान उनके दर्शन करते हुए उत्तराखंड में गए थे, उत्तराखंड में यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ के दर्शन करते हुए यूपी में गए थे, यूपी में अयोध्या प्रयाग काशी चित्रकूट बनारस होते हुए बिहार में गया जी के दर्शन करे थे, वहाँ से फिर पटना होते हुए नेपाल पशुपतिनाथ काठमांडू में दर्शन किए थे, उसके बाद देवघर आए थे हम, वैजनाथ महाराज का मंदिर है, उससे आगे फिर वेस्ट बंगाल होते हुए उड़ीसा गए थे जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से फिर आंध्रा तिरुपति बालाजी के दर्शन किए थे, वहाँ से दर्शन करके तमिलनाडु में रामेश्वरम कन्याकुमारी के दर्शन किए थे, उससे फिर केरल गए थे, केरल में तिरुवनंतपुरम गुरुवायर के दर्शन करते हुए कर्नाटक आए थे, कर्नाटक में धर्मस्थला पलनी होते हुए मुर्डेश्वर गोकर्ण होते हुए महाराष्ट्र आए थे, महाराष्ट्र में कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल के दर्शन किए थे, फिर पंढरपुर होते हुए भीमाशंकर कृष्णेश्वर त्रंबकेश्वर के दर्शन किए थे, अभी त्रंबकेश्वर से हमारे इधर शिरडी सिंगनापुर होते हैं, अब आगे इधर आगे एमपी जा रहे हैं, एमपी में। तो आपका क्या उद्देश्य था पदयात्रा करने का? दर्शन कर रहे हैं और भगवान से मैं यही विनती है कि जो जितने भी भारत में भ्रष्टाचार है, जितनी भी अशांति फैली हुई है, और शांति का वातावरण हो और उसमें पूरा धर्म की जागृति बढ़े, जितना भी पाप हो रहा है थोड़ा खत्म हो जाए, और जितने भी पाप की वजह से जितना भी पाप हो रहा है इस वजह से इतनी महामारी है वो सब खत्म हो जाए, थोड़ा शांति का वातावरण हो। एक दिन में कितना चलते हो? एक दिन में 20 से 25 किलोमीटर। नंगे पैर चलते हो? हाँ, नंगे पाँव चलते हैं, अभी 26 महीना हो गया हमें चलते हुए, अभी 18,900 किलोमीटर यहाँ हो गया, गुनीसा के आसपास हो गया। फिर आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है? खाना वैसे हम खुद ही बनाते हैं ज़्यादातर, तो वैसे इधर में तो जितने भी राजस्थानी है उनके पास रुके हुए थे तो उधर में व्यवस्था हो जाती है, वैसे खुद भी बनाते हैं। तो लॉकडाउन में आपको कुछ परेशानी आई होगी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लॉकडाउन में सबसे बढ़िया प्रेम मिला था, कोई दिक्कत नहीं हुआ, वैसे हम चलते रहते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती है। अभी आपको कहाँ तक जाना है? अभी हम एमपी जो ओंकारेश्वर है उसके दर्शन करते हुए उज्जैन जाएंगे, उज्जैन महाकाल के दर्शन करते हुए द्वारिका गुजरात में, वहाँ से फिर सोमनाथ होते हुए नागेश्वर होते हुए फिर राजस्थान। राजस्थान पहुँचने में कितना समय और लग सकता है? अभी जुलाई अगस्त तक राजस्थान पहुँच जाएंगे। जुलाई तक पहुँच जाऊँगे। कितने जन हो आप? हम दोनों ही हैं, पति पत्नी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।